महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊंवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार सखियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महकता आंचल में। सखियों, बहुत बार बच्चे को जन्म देना या फिर एक के बाद एक बच्चे को जन्म देना किशोर उम्र की लड़कियां या फिर 35 से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जन्म देना उनकी जिंदगी को कहीं खतरे में तो नहीं डालता? और कहीं शिशुओं की होने वाली कुल मौतों में लगभग एक तिहाई का जिम्मेदार तो नहीं बन जाता? सखियों, परिवार नियोजन महिला और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार के सबसे कारगर तरीकों में से एक है, ये बात तो आप भी मानती है ना? सखियों, आज विकासशील देशों में महिला और पुरुषों का कहना है कि गर्भ निरोध की जरूरत उनकी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि बच्चे के जन्म के समय से पहले हमें कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे आने वाले जीवन के लिए बेहतर बन सके। सखियों, सबसे पहले 18 साल से पहले या फिर 35 साल की उम्र के बाद गर्भधारण महिला और उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरे को बढ़ाता है। हर साल 515 लाख महिलाएं गर्भधारण और प्रसव से जुड़ी दिक्कतों के कारण मर जाती हैं। और मरने वाली हर महिला के पीछे औसतन 30 और असक्षमता पैदा करने वाली गंभीर दिक्कतों का शिकार हो जाती हैं। इसीलिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। इसीलिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल तक की होने तक गर्भधारण को टालना सुरक्षित माना जाता है। साथ ही 18 साल से पहले गर्भधारण को टालना गर्भधारण व प्रसव को सुनिश्चित करता है। सखियों, यह बात तो आप जानती है ना कि 18 साल की उम्र होने तक लड़की शारीरिक रूप से पेट में बच्चा पाने लायक नहीं होती। बालिग महिलाओं के मुकाबले कम उम्र की लड़कियों के लिए प्रसव के मुश्किल व खतरनाक होने का अंदेशा होता है, खतरनाक होने का अंदेशा बढ़ जाता है। सखियों, माँ जितनी छोटी होगी उस पर बच्चे सखियों माँ जितनी छोटी होगी उस पर और बच्चे पर इसका खतरा उतना ही बढ़ता है। इसीलिए गर्भधारण को टालने के लिए युवा महिलाओं को खासकर मदद की जरूरत होती है। समय से पहले गर्भधारण के खतरों और उसे टालने के बारे में युवा महिलाओं और उनके परिवारों को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि हम अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकें। सखियों, 35 साल के बाद गर्भधारण और शिशु के जन्म के खतरे बढ़ जाते हैं। यदि कोई महिला 35 साल की है और 4 या अधिक बार गर्भवती हो गई है, ऐसे में एक और गर्भधारण उसके और भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। यदि दो बच्चों की पैदाइश के बीच कम से कम 2 साल का अंतर है तो छोटे बच्चे की मौत का खतरा 50 गुना बढ़ जाता है। सखियों, एक बात मैं आपको और बता दूं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य और उसकी बढ़त के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब नए बच्चे की पैदाइश होती है। इससे बड़े बच्चे के लिए माँ का दूध पीना बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है और बच्चे को जरूरत के हिसाब से भोजन नहीं मिल पाता और ना ही माँ उसे अपना समय दे पाती है और ठीक ठाक से बच्चे की देखभाल कर पाती है। उसका जितना ध्यान होता है उस छोटे बच्चे पर ही होता है। ऐसे में बड़े बच्चे की पूरी देखभाल खत्म हो जाती है। तभी 2 या 2 से अधिक समय के अंतर में पैदा हुए बच्चों के मुकाबले 2 साल से कम समय के अंतर पर पैदा हुए बच्चों का शारीरिक या मानसिक विकास आमतौर पर ठीक से नहीं हो पाता है। सखियों, यह बात भी आप जानती ही होंगी कि गर्भधारण व प्रसव की भरपाई के लिए महिला के शरीर को 2 साल की जरूरत होती है। इसीलिए अगर 2 बच्चों के बीच समय बहुत कम है तो माँ के स्वास्थ्य पर खतरा रहता है। इसीलिए दोबारा गर्भधारण से पहले माँ को अपना स्वास्थ्य, पोषण व ऊर्जा को वापस लाने में काफी समय लगता है। जैसे पिछली गर्भधारण की पूरी भरपाई से पहले अगर महिला फिर से गर्भवती हो जाती है
तो इसकी बड़ी संभावनाएं हैं कि उसके बच्चे की पैदाइश समय से बहुत पहले होगी और उसका वजन भी सामान्य बच्चों के मुकाबले बहुत कम होगा और ना ही बच्चे की सही बढ़त की संभावनाएं होती हैं। सखियों, एक खास बात मैं आपको और बता दूं, लगातार 4 बार गर्भधारण के बाद अगर 2 बच्चों के बीच 2 साल से कम का अंतर है तो महिला को एनीमिया यानी खून की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए 2 बच्चों के बीच कम से कम 2 से अधिक वर्ष का अंतराल होना जरूरी है। सखियों, अब बात करती हूँ परिवार नियोजन की। परिवार नियोजन की सेवाएं लोगों को यह योजना बनाने का ज्ञान और उसके तरीके उपलब्ध कराता है कि बच्चा पैदा कब करें, कितने बच्चे पैदा करें और उन बच्चों के बीच कितना अंतर होना चाहिए और बच्चे कब रोकें। सखियों, परिवार की जिम्मेदारी महिला और पुरुष दोनों की है, इसीलिए जरूरी है कि बच्चे के जन्म से पहले इन तमाम बातों का निर्णय लिया जाए। आखिर डॉक्टर क्या कहते हैं इन सब चीजों को लेके, आइए मिलते हैं डॉक्टर से। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर डॉक्टर दुर्गापाल आप लोगों के बीच में कुछ नई बातें लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। आज का मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जब बच्चों का जन्म होता है, इस जन्म से पहले क्या माँ बाप को कुछ योजनाएं बनानी चाहिए या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा ये वर्तमान के लिए प्रश्न है गुरानी जी। देखिए, जब शादी होती है तो उसके बाद हम प्लानिंग बनाते हैं कि बच्चा कब हो और बच्चा कैसा हो, क्या कृष्ण हो या कंस हो, राम हो या रावण हो। तो ये अगर माँ बाप की ये सोच होगी तो कृष्ण ही भगवान घर में पैदा होंगे, रावण नहीं राम पैदा होगा। तो इसके लिए हमें सोच बनानी होगी, तो प्लानिंग बनानी होगी। पहले बात ये कि हम कब बच्चा चाहेंगे। अगर शादी के 1 वर्ष के तक पति पत्नी साथ रहते हैं तो उनका घर में एक नया बच्चा आ जाना चाहिए। शादी के 1 वर्ष के अंदर अगर बच्चे माँ बाप साथ रहते हैं तो उनके घर में बच्चा आ जाना चाहिए, पहली बात तो मैं कहूँगा। अगर वो नहीं आता है तो हमें चिकित्सक को अपने को और अपनी पत्नी को अवश्य दिखाना चाहिए और माताओं को चाहिए जब वो गर्भवती हो जाती हैं अपने को टीके लगाएं। आशा कार्यकर्ती आपके घर पर तक आती है, एनम बहन आती है, उनके द्वारा अपने आप को टीके लगवाएं, अच्छी प्रोटीन डाइट लें। अब तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आपके घरों में पहुंच रही हैं, वह दलिया छुआरे आदि आप लोगों को उपलब्ध करा रही है और वो घर घर जा रही है। और आपको चाहिए, अगर वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या एनम बहन नहीं आ रही है, आप उसके पास खुद भी जा सकती हैं। आप तनाव मुक्त रहें, प्रातःकाल उठें, अवश्य में 1-2 किलोमीटर घूमा करें, तत्पश्चात आप अच्छा भोजन प्रातःकाल लें, कढ़ाई में बना हुआ, खासतौर से कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में बना हुआ भोजन अवश्य लें, दालें लें। और हमारे पहाड़ी व्यंजन हैं जैसे भट है या अन्य प्रकार के राजमा हैं, इनका अधिक प्रयोग करें क्योंकि इनमें प्रोटीन अधिक होता है। अब दूसरा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि बच्चे के जन्म अंतराल में कभी कभी ये होता है पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में अंतराल बहुत कम हो जाता है, 2 वर्ष के बीच में अगर एक बच्चा दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या माँ के लिए या बच्चे के लिए कोई खतरा हो सकता है? ना गुरन जी, बिल्कुल खतरा हो सकता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब माँ गर्भवती हो जाती है तो कमरे में बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगाएं, राम के लगाएं या अन्य कोई धार्मिक चित्रों को, जिसको भी वो चाहती है वो लगाएं, जिया वो जिस धर्म की है वो चित्रों को लगाएं। रहा सवाल इसका कि 2 बच्चों के बीच में अंतर, एक जो पहला बच्चा है उसको कम से कम 2 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए। अगर बच्चे को दूध अगर 2 साल तक नहीं मिलता है वह नुकसानदायक है, तो दूसरे बच्चे की तो चाहत 2 साल से पहले तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारे पहाड़ में कहावत भी है ना, कहा कहते हैं लोग ना, पी रखा है तूने माँ का दूध, तो माँ का दूध तो इतना पवित्र है, इतना पूर्ण आहार होता है। तो जब माँ अपने बच्चे को 2 साल तक पूर्ण रूप में अपना दूध पिलाती है तो दूसरा गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और मैं और विज्ञान भी यह कहता है, अगर 5 साल से पहले
माँ अगर गर्भ धारण कर लेती है तो माँ का शरीर कमजोर हो जाता है, माँ को खून की कमी हो सकती है, माँ का जो गर्भ है खास तौर से जिसको कि हम यूट्रस बोलते हैं वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है अपना, जिससे कि वो पुनः फिर गर्भ धारण करें। गांव में यूं तो हर साल बच्चे हो जाते हैं लेकिन माताओं की हालत बहुत खराब हो जाती है, बदन में सूजन आ जाती है, खून की कमी होने लगती है, एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाती हैं, प्रोटीन से उनके हाथ पैर बहुत ही दुबले हो जाते हैं कमी से। तो इसलिए माँ को दूसरा गर्भ धारण करना चाहिए, हम कहेंगे करना चाहिए, लेकिन 5 साल के बाद, अन्यथा खून की कमी या अन्य रोगों से ग्रसित हो जाएगी। सवाल ये आता है, पहला बच्चा दूध पीने वाला होता है और दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है, ऐसे में क्योंकि पहले बच्चे का दूध छूट जाना जरूरी है, अगर ऐसे में तो बच्चे के आने वाले जीवन पर क्या क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि बहुत इससे बच्चे पर ही नहीं माँ पर भी असर पड़ेगा, माँ कमजोर पड़ जाएगी, माँ का जो एक बदन बच्चे को दूध पिलाते पिलाते चेहरा हो जाता है, माँ एक बिल्कुल अपनी पूर्ण यौन अवस्था में फिर आ जाती है, वो नहीं आ पाएगी। और बच्चे का हक हम छीन लेते हैं, बच्चे पर बहुत बड़ा असर ही पड़ता है, बच्चे को तो 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए लेकिन बीच में दूसरा बच्चा आ गया तो वो बच्चे को, वो जो पहला बच्चा है उसका हिस्सा वो बच्चा ले लेगा और इससे क्या होता है बच्चों में एक हीन भावना आने लगती है कि मेरा हिस्से का दूध वो पी रहा है, तो बच्चों में भी एक तरह से ग्रह कलेश होने लगता है, बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और बच्चों को एक तरह से मेल न्यूट्रिशन जिसको कि हम कह सकते हैं कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बच्चे का देखभाल भी माँ ठीक से नहीं कर पाती है, क्योंकि जहाँ जितना वो प्यार दुलार माँ बाप या परिवार के लोग एक बच्चे को दे रहे थे वो अब 2 भागों में बढ़ चुका है। सर जैसा आपने बताया कि अगर उसको बराबर दूध नहीं मिलता है तो कुपोषण का शिकार हो सकता है, या क्या अगर बचपन कुपोषित कोई बच्चा है तो उसके जीवन में आगे भी इसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है गुरानी जी, देखिए मैंने तो माँ पर तो मैंने बताया ही, अगर बच्चे को भरपूर पेट अगर अच्छा दूध नहीं मिल पाएगा तो बच्चे की आंखें कमजोर हो जाती हैं, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, बच्चे की आंखों में घाव हो जाते हैं, बच्चा यहाँ तक कि अंधा हो सकता है जिसको कि हम बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, बच्चा दिन में आंख नहीं देख पाता है, और बच्चे को मेरेस्मस नाम की बीमारी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, चेहरे और पेट में झुर्रियाँ आ जाएंगी, पैरों में सूजन आने लगेगी, क्योंकि एक पेट के 2 भाग हो गए हैं, 2 बच्चों को वही भोजन मिल रहा है, देने वाली एक ही माँ है, तो इसलिए बंटवारा जब हो जाता है किसी चीज का भी तो वो कमजोर हो जाते हैं, वो बच्चा हर तरह से कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चा मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। जो बच्चों माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है उसके बच्चे का दिमाग बड़ा ही एक कंप्यूटर से भी बड़ा तेज होने लगता है, अगर जो माँ बच्चे को दूध अगर दूसरे को भी उसके हिस्सा बना देती है तो दोनों बच्चे कमजोर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब अब मैं अंत में जाते जाते यह भी जानना चाहूँगा, क्या ऐसे में परिवार नियोजन को आप कितना जरूरी समझते हैं आज के इस दौर में, और परिवार नियोजन से क्या शारीरिक और परिवार के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए आज वर्तमान में जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम चीन के बाद हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 1,35,000 से भी हम आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या एक परिवार में अगर 5 बच्चे हो जाते हैं तो 5 घर बन जाते हैं, जमीन उतनी ही है और खेत खलियान उतने ही हैं, लेकिन मकान बनते जाएंगे, सड़क बनती जाएगी तो स्थान कम होते जाएगा, अनाज कम होते जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम 2 हमारा 1 या हम 2 हमारे 2 बस इतना ही होना चाहिए, इसके बाद फुल स्टॉप। अगर जनता इसको समझती है तो हम या हमारे श्रोता बंधु इस बात को सुन रहे हों तो यह जीवन का एक लक्ष्य बना लें कि बस हम 2 हमारा 1 या हम 2 हमारे 2, तो इससे हमारे बच्चे कुपोषित नहीं होंगे, हमारे हम उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। सरकार भी आज इस बात के लिए लोगों को प्रलोभन दे रही है कि 2 बच्चों पर फीस माफ कर रही है, उनको वजीफा दे रही है, यहाँ तक कि आर्मी में तो ये कह रही है कि हम आपकी फीस भी भरेंगे, तो 2 बच्चों पर हम चाहेंगे, हमें अपना विकास चाहना है या विनाश चाहना है, इसको हम में से दोनों में से एक को चुनना।
जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। परिवार नियोजन करने के बाद अगर कोई महिला परिवार नसबंदी कर लेती है आदि कर लेती है, क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है शरीर में? ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। परिवार नियोजन में हम सिर्फ एक नस काटते हैं जो कि हमारे अंडाशय को छूती है। उस नस को काटने से जब हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना है तो उस नस को काटने से कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कुमाऊं वाणी के श्रोताओं को, हमारी माँ बहनों को और सभी श्रोताओं को बहुत कीमती जानकारी दी है। भविष्य में यह जानकारियाँ आपकी बनी रहेंगी और कुमाऊं वाणी का से आपका यह प्रेम बना रहे। इसी के साथ आपसे लेंगे विदा।